हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल, हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया गया है जिसकी वैल्यू है एक्स प्लस आई वाई। अगर आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट को डिनोट करने का तरीका होता है जेड बार, और कॉन्जुगेट निकालने के लिए कहीं पे भी अगर प्लस आई लिखा है तो आप उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, और अगर कहीं भी माइनस आई लिखा है तो आप उसको प्लस आई से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैंने एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट निकाला तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। दिस इज अ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जेड की वैल्यू दी गई थी 5 माइनस 7 आई, मैंने इसका कॉन्जुगेट लिखा तो जेड बार इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7 आई। नेक्स्ट मुझे दिया गया था z इज इक्वल टू -5 + 2i। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना होगा तो -5 एज इट इज रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ किसको चेंज करते हैं, हम सिर्फ i की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे +2i था तो अब की बार क्या हो जाएगा -2i। क्लियर। अब नेक्स्ट हम कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्जुगेट की पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अगर आपको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं z1 और z2, और अगर इनकी वैल्यू आपस में बराबर है, दैट मींस हमें दिया गया है कि z1 इक्वल्स टू z2 है, तो हमेशा इनके कॉन्जुगेट भी आपस में बराबर होंगे। दैट मींस z1 बार की वैल्यू हमेशा z2 बार की वैल्यू के बराबर होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट नंबर। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप कॉन्जुगेट्स को अलग अलग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे पहली बार दिया है कि आप z1 प्लस z2 करके इसका बार निकालिए, बार मतलब आप उसका कॉन्जुगेट निकालिए, तो ये दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर होगा। अगर मैंने z1 माइनस z2 करके इसका कॉन्जुगेट निकाला तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। z1 इंटू z2 कॉन्जुकेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुकेट इंटू z2 कॉन्जुकेट, एंड सेम एज इट इज z1 अपॉन z2 कॉन्जुकेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुकेट अपॉन z2 कॉन्जुकेट। दैट मीन्स अगर आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करने जा रहे हैं और आपने उन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कॉन्जुकेट निकाला, तो वो दोनों के अलग अलग कॉन्जुकेट के ऑपरेशन के बराबर। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। हमने z1 की वैल्यू लिया था 2 + i, और मैंने z2 की वैल्यू लिया था 3 + 2i। ओके, जब मैंने z1 का बार निकाला तो z1 की बार की वैल्यू हो जाएगी 2 - i, और z2 के बार की वैल्यू हो जाएगी 3 - 2i। अब जरा z1 प्लस z2 निकालिए, रियल पार्ट को एक साथ ऐड किया तो 3 में 2 ऐड हुआ तो 5, प्लस 2i और i को ऐड किया तो क्या हुआ 3i। अब जो भी इनका सम आया है उनका कॉन्जुगेट निकालिए, ये हो जाएगा 5 - 3i। अब मैं यहाँ राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रही हूँ। मैंने कहा जो मैंने अलग अलग कॉन्जुगेट निकाला है मैं उनको ऐड करने जा रही हूँ। 2 3 के साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5, और -i -2i मिलके क्या हो जाएगा -3i। आप चेक कर सकते हैं z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 प्लस z2 बार। यही सेम आपको माइनस ऑपरेशन के साथ भी मिलेगा, मल्टीप्लाई के साथ भी मिलेगा, और प्रोडक्ट के साथ भी मिलेगा। आप उनको भी ऐसे ही सेम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है और मैंने इसका दो बार कॉन्जुगेट निकाला तो ये हमेशा z के ही बराबर होगा। अगर z की वैल्यू मुझे दी गई थी 5 - 2i, मैंने इसका एक बार कॉन्जुगेट निकाला तो ये हो जाएगा 5 + 2i, और अगर मैं इस z बार का फिर से कॉन्जुगेट निकालूंगी तो फिर से यहाँ माइनस हो जाएगा 5 - 2i, और दिस इज इक्वल टू z। तो z डबल बार की वैल्यू हमेशा z की वैल्यू के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझने के लिए, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लिया और उसकी वैल्यू को x प्लस आई वाई मान लिया। अगर हम z बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x - i1। इन दोनों को ऐड कीजिए z + z bar, दिस इज इक्वल टू x + i y + x - i1। प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2 × x। हम इसको लिख सकते हैं 2 × रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और आप उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ प्लस करते हैं तो दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमेशा रियल पार्ट के ट्वाइस के बराबर होगा। क्लियर? अब इसी में जरा माइनस कर लीजिए। मैंने जेड माइनस जेड बार निकाला तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, पहली वैल्यू। ये माइनस लगाया, नेक्स्ट वैल्यू हो गई एक्स माइनस आई वाई। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, माइनस अंदर गया तो ये एक्स को माइनस बना दिया और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आई वाई। एक्स से एक्स की वैल्यू कैंसिल हो गई, दिस इज इक्वल टू माइनस टू वाई। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से आप उसके कॉन्जुगेट को माइनस करते हो तो ये हमेशा क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी मिलेगा। ऊपर वाला प्योरली रियल था, ये क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप अब की बार जेड और जेड बार का मल्टीप्लाई कीजिए। जेड की वैल्यू हमें पता है क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई हम लेके चलते हैं, और जेड बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस आई वाई। अगर आप लॉजिक के थ्रू इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लॉजिक के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आप पूरा प्रोसेस यूज करके करेंगे तो हम वो भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। एक्स का मल्टीप्लाई मैंने एक्स के साथ किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स का मल्टीप्लाई माइनस आई वाई के साथ होगा तो आएगा माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट आई वाई का मल्टीप्लाई मैंने एक्स के साथ किया तो ये हो गया प्लस एक्स वाई, और आई वाई का मल्टीप्लाई मैंने माइनस आई वाई के साथ किया तो ये हो गया माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने एज इट इज रखा, माइनस को एज इट इज लगाया, और आई स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज प्योरली रियल नंबर, एंड दिस रियल नंबर इज नेवर निगेटिव। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे दोनों वैल्यू स्क्वायर निकली हुई है, इसका मतलब कभी भी ये वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। हमेशा ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेवर निगेटिव, हमेशा हमें ये वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। तो हमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ा है उनको एक बार समराइज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर Z1 और Z2 की वैल्यू बराबर है तो इनके कॉन्जुगेट भी हमेशा बराबर होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, फिर उनका आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो ये दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के बराबर होगा। मतलब वो ऑपरेशन बीच में लगा दीजिए, अगर यहाँ प्लस है तो राइट हैंड साइड में भी प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो राइट हैंड साइड में भी क्या यूज होगा, माइनस। इसी में नेक्स्ट भी आ गया है, अगर आप प्रोडक्ट करने के बाद उनका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये उनके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और अगर आप उनका डिवीजन करके मतलब उनको डिवाइड करके उनका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के डिवाइड के बराबर। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जेड का डबल बार जब भी आप करेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। नेक्स्ट अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को आपस में प्लस करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा प्योरली रियल होती है और वैल्यू आती है टू इंटू रियल पार्ट, और अगर आप इनको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा टू आई वाई आएगी, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। एंड लास्ट अगर आप जेड का उसके कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट वाली वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी। दैट मीन्स ये रियल होगी, और इसको निकालने के लिए आपको रियल पार्ट का स्क्वायर करना होगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना होगा, और उनको लास्ट में प्लस कर देना होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।